11 सितंबर को हुए भारत पाकिस्तान मैच में पाकिस्तान टीम के हारने के बाद पाकिस्तानियों ने गुस्से में फोड़ी टीवी। आपको बता दें कि भारत की वनडे में यह सबसे बड़ी जीत है। भारत ने फिर से पाकिस्तान को एक बार और धूल चटा दी। कोहली और केएल राहुल ने शतकीय पारी खेलते हुए पाकिस्तान के बॉलरों के बहुत मार लगाई तथा बाद में कुलदीप यादव ने पाकिस्तानी बल्लेबाज को अपनी धारदार बॉलिंग से टिकने नहीं दिया। कोलंबो में खेले गए 2023 एशिया कप के सुपर चार मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों से हरा दिया है। भारत ने पहले खेलने के बाद केएल राहुल और विराट कोहली के शतकों की बदौलत से 50 ओवर में 2 विकेट पर 356 रन बनाए थे। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम 32 ओवर में 128 रन ही बना सकी। हालांकि पाकिस्तान के 8 विकेट ही गिरे, उसके 2 खिलाड़ी चोटिल थे, इस वजह से उन्हें ऑन लॉट दिया गया। भारत के लिए गेंदबाजी में कुलदीप यादव ने कमाल कर दिया। कुलदीप ने 25 रन देकर 5 विकेट चटकाए। मैच हारने के बाद पाकिस्तानियों ने फोड़ी टीवी। एक सौ अट्ठाईस रन बनाए। इंडिया ने 228 रन से जो है विक्ट्री हासिल की है। अच्छा, अभी टीवी तोड़ के गाइस टीवी तोड़ के दिखाने लगे। क्या समझते हैं, इस मैच में भी साजिश हो गई है या फिर वाकई में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी? क्यों तोड़ने लगे? ये यार बहुत गलत हुआ है। मैच हारने के काम से? बिल्कुल। अच्छा तो ये तोड़ देंगे? ये तोड़ेंगे तो मजाक बन जाएगा हमारा। तो मजाक तो पहले ही बन चुका है। अच्छा तो तोड़ते फिर आप क्या पकड़े? ये तारीख गवाह है, इतनी बुरी तरह पाकिस्तान कभी नहीं हारा है। मैच से पहले हमारा जो पाक मीडिया, आपको पता है, बड़ा उछल रहा था, कूद रहा था जी इंडिया को मैदान में हरा देंगे और इस दफा हमने अपने जवान शेर इनको अंडे दूध खिला पिला के भेजा है, लेकिन वहां पर तो ये प्रेशर ही नहीं ले सके इंडिया की टीम का। आवाम बड़ा रोई है। ये भजन जानबूझ कर हारे हैं, हमें ये पता है। अच्छा, जानबूझ के? हाँ जी, ये जीतना चाहते हो, इनके लिए स्कोर कुछ भी नहीं है ये। ठीक है, तो अगर लेट्स सपोज जानबूझ के ही हारना था इतने बड़े स्कोर से, मतलब पाकिस्तान तो आप देखें, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि मैच हारे हैं, मैं ये कहूँगा मैच खेले ही नहीं है सिरे से। ये कह रहे हैं कि जिस जो बारिश हुई है ना उसकी वजह से हम हारे हैं। अच्छा, और दूसरे नंबर पर ये है कि जो बारिश हो गई है ना, वो कह रहे हैं कि जे अगर हम इतनी ज्यादा चेज कर लेते तो अच्छा था। और स्कोर तो इनकी बनी नहीं, बाबर आजम भी जल्दी आउट हो गया और रिजवान भी जल्दी आउट हो गया, इसको तो स्कोर इनसे बना ही नहीं है, खेला ही नहीं गया। भारत की जीत पर पाकिस्तान से शानदार रिएक्शन निकल गया है, थोड़ा आनंद लीजिए आप भी। किट्टू राव का मैसेज है, क्यों बे गमो सुजी है सुजी। अब इसका मतलब तुम ही बता दो। मैं बताती हूँ आज मुझे एच के एच आर बंटी मैसेज करके कहते हैं जली ना हारे अब कुछ हो। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा? देखा है। क्या बना? बहुत बुरा हुआ पाकिस्तान के साथ, बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। वो इस कदर बुरा हुआ है कि जिस कदर नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था, क्या बुरा हुआ है? बस जिस तरह ये शिकस्त इन्होंने दी है ना इंडिया वालों ने, इसे देनी नहीं चाहिए थे बस। क्या प्यार करना चाहिए था ग्राउंड में आपके साथ? यस, इनको चाहिए जितना वेट किया है। आप लोगों ने बाबर को हीरो बनाया हुआ था, बाबर तो फुस हो गया, 10 रन बना के गया। बस जिस तरह अब मैच का इन्होंने देखा गया, तो इस तरह ये हंसी, ये अंदर से हंस रहे हो कि रो रहे हो, क्या हो रहा है? अंदर से रो रहा हूँ, बाहर से हंस रहा हूँ। इनसे अच्छी लीड जो है ना वो खोते कर जाते हैं। नहीं, फिर भी हमारे हीरो हैं। नहीं भाई, तो वो ठीक है, हमारे हीरो हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ दो लफ्ज ही बोलूंगा कि इनसे अच्छी जो है ना वो खोता बेहतर कर जाता है। ठीक है, बस आप क्या समझते हैं भाईजान, आप बड़ी अच्छी बात कर रहे थे। बात ये है भाईजान के कोलंबो में मैच किस लिए रखा है इन्होंने? पाकिस्तान में कराना चाहिए था मैच, ये जो है कोलंबो, या कोलंबो नहीं रखना चाहिए, एशिया कप होना चाहिए दुबई के बीच पाकिस्तान में मैच। हमारे बॉलर्स ने आज ना वो रिदम नहीं पकड़ा, उस लाइनो लेंथ पे बॉलिंग नहीं की है, जिस वजह से आज का मैच ना हमारे लिए टफ बना। पाकिस्तान आज जज्बे के साथ नहीं खेला, जो जज्बा था इनमें वो नहीं था आज। ठीक है, ऐसे था जैसे किसी ने इनको हार्ड किया हुआ है। ठीक है, पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, जब इंडिया के साथ होता है तो ऐसे ही। जब भी
इंडिया के सामने वैसे मैच से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंडिया को हरा देंगे, पिचका देंगे, ये कर देंगे, वो कर दे, हमारा ये जवान तैयार, वो जवान तैयार, जब इंडिया के सामने जाते भीगी बिल्ली बन जाते हैं हमारे प्लेयर्स। तो जारी बात है, कुछ दबाव था इनके। क्या दबाव था, किस किस्म का दबाव था? हो सकता है ऊपर से हो, लेकिन आज दबाव में थे। आज इंडिया की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया की बहुत अच्छी थी आज, बड़ा अच्छा खेले, ठीक है। और इंडिया की बॉलिंग और जो है बैटिंग के बारे में क्या? दोनों चीजें अच्छी थी, दोनों अच्छी, बॉलिंग भी अच्छी थी और बैटिंग भी अच्छी। विराट कोहली हमेशा पाकिस्तान को बड़ी तगड़ी तकड़ देता है, तो प्लेयर है वो, प्लेयर है, वर्ल्ड प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। बारिश की वजह से हम हारे, तो बारिश तो इंडिया वालों के लिए भी हुई है ना? हुई है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्होंने तो वो अपनी क्या कहते हैं खेल लिया हुआ था, अपनी जो स्कोर, अपनी रनिंग उन्होंने पूरी कर ली थी, लेकिन इनका भी हक बनता है ना अपनी कारकर्दगी पूरी दिखाते, अपनी आवाम को खुश करते। ये बात तो हमने कामों से छुट्टियां की हैं, 2000-2000 की दिहाड़ियां भी तोड़ी हैं, जो पाकिस्तान में हालात चल रहे हैं उसके बावजूद ठीक है, और जो हमने कमाना है वो ही खाना है शाम को लाके, और मैच देखने के लिए हमने इनकी छुट्टी की है, तो इन्होंने हमें ये सिला दिया। टीवी तोड़ दिया सारा, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो टीवी तोड़ दिया, कारगिल हुआ है ऐसे ऐसे ही है। अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो LCD के टुकड़े टुकड़े कर दिए नीचे, जरा दिखा दें आप। तो इतना ज्यादा दुख लगा था, आप क्या कहेंगे? थोड़ा सा ये LCD तोड़ दी है, सही है दुख में, सही है, आप क्या कहेंगे? सही है LCD तोड़ना, सही है, मतलब क्रिकेट ही है। अच्छा कितने का नुकसान कर दिया? 30,000 रुपए का। अच्छा उसके अलावा बैट भी लगी हुई थी हमारी। ये इतनी खुशी किस बात की चढ़ी हुई थी? खुशी इसलिए चढ़ी हुई थी कि पाकिस्तान दो बार मैच ड्रा हुआ है, हमें ये था कि पाकिस्तान जोश से खेलेगा। हर दफा हमें बहुत गलत लगता है, फिर मैच जोश से खेलेगा, पाकिस्तान विन करेगा, लेकिन अफसोस हुआ है पाकिस्तान इतनी बुरी तरह से हारा है। सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन किस प्लेयर के साथ थी आपकी? मेरी चाचू के साथ। चाचू कौन है? अशरफ है, इफ्तिखार। अशरफ चाचू, ये कौन आ गया टीम में? कॉमेडी कर रहा था। अच्छा देखो क्या बात है, अगर कैमरा मैन दिखाए, इतने बॉयज हैं इनमें से, मुझे लगता है ज्यादातर ने मैच देखा है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच कोई मिस नहीं करता है। अब आपसे बात करेंगे, आप बड़े अटेंटिवली खड़े हैं, क्या कहेंगे मैच के बारे में? मैम एक सिर्फ मैच पे हमारी आंखें टिकी हुई थी कि चले शायद किसी बहाने पाकिस्तानी वहाँ में खुशी मिल जाए। अच्छा फिर बस क्या करें, अब हमारे मुकद्दर में लानत लिखी हुई है। मुकद्दर में लानत लिखी हुई है, खैर ये छोड़े। किस शेर की आमद है कि रन काम रहा है, बाबर 11 के कदमों की धमक से श्रीलंका का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है। अच्छा और वही हुआ जिसका डर था। देखिए सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते आपको, हम डिस्प्लेसन में अभी हैं। कुछ नहीं है डिस्प्लेसन में सर, अभी कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताएंगे, डिस्प्लेसन में है जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्लेसन यानी कि डिप्रेशन में है, ये शुक्र में नहीं अबॉर्शन में नहीं बोले। और यकीनन इंडियन क्रिकेट टीम समेत दुनिया भर में मौजूद भारतीयों के दिल भी ऐसे ही कांप रहे हैं। वैसे मेरा पर्सनल मशवरा यह है कि भारत में मौजूद जो कमजोर दिल हजरात हैं वो कल मैच देखे ही ना, तो मेरे ख्याल से उनकी सेहत के लिए ज्यादा बेहतर होगा। समझते हैं इंडिया के साथ ही हम हर दफा ज्यादातर प्रेशर में क्यों आ जाते हैं? बिल्कुल, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, बड़ा टिकट खेलते हैं, जब भी आते हैं इन्होंने टॉस जीती है और उनको दावत दे दी है, इनको खेलना चाहिए था, पहले खेलना नहीं था। देनी चाहिए, ठीक है। कोहली के बारे में क्या कहेंगे? इसके अलावा जो सर वो उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की है, उनकी वो तारीफ के लायक है, खिलाड़ी कोई भी है तारीफ होनी चाहिए। जो KL राहुल ने भी सेंचुरी की है, जाहिर है जो भी है माशाल्लाह जितने भी खिलाड़ी हैं इंडिया के, ठीक है जी, जाहिर है उन्होंने अच्छी कारकर्दगी की है, तो जाहिर है दाद देनी तो बनती है इनकी। इस बात से मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि नो डाउट हम हारे हैं, मुझे भी दुख है, इन्हें भी दुख है, सब पाकिस्तानियों को दुख है, लेकिन ये पॉजिटिव माइंड होता है कि भाई जो अच्छा खेले हैं वो जीत गए। जी जी जाहिर है खेल बना ही इसलिए सर, एक ने जीतना है एक ने हारना है। तो कुछ लोग ये जो कह रहे हैं कि भाई ICC की साजिश है या ये है वो है, आपको क्या लगता है ऐसा हो सकता है? और पाकिस्तान के अगेंस्ट ही क्यों साजिश है? हाँ ये पाकिस्तान और जो इंडिया का ना, इनकी ऐसे होता है मैच जैसे जंग हो रही है इनकी, ठीक है,
सही जो बात सर, नो डाउट है, ये जो हमारी ये जो आज की जो हुकूमत है मतलब पॉलिटिक्स है ये है ऐसी इस काबिल है कि आवाम जो है ना क्रिटिसाइज करती है। ठीक है, अगर हमारे प्लेयर्स जो है अच्छी परफॉर्मेंस करते, ये रिकॉर्ड तोड़ा है पाकिस्तान ने, इतनी बुरी तरह इंडिया से कभी नहीं हारा, रिकॉर्ड है ये। दो तीन दफा वो पिच पे खेल चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस हो गया था खेलने का, ठीक है, अब तीसरी बारी वो खेले हैं तो उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है, बाकी दो दफा तो उनको पूरी टीम को बुक भी किया इन्होंने, बाकी इस बार चलो उनका लक हो गई है तो इंशाल्लाह फाइनल में देखेंगे क्या बनता है। बॉलिंग भी इस दफा इंडिया की जबरदस्त, बैटिंग भी इंडिया की जबरदस्त। उन्होंने वो बुमराह की बहुत अच्छी बॉलिंग थी, उन्होंने आउट स्विंग और इन स्विंग बहुत अच्छी की है, उसके बाद वो बैटिंग भी उसकी उनकी बहुत अच्छी थी, विराट ने भी 100 किया, उसके बाद राहुल ने भी 100 किया है, बट लेकिन ये है कि बाबर आजम हमारा अच्छा कैप्टन है, अच्छा खेलता है, बट लेकिन उसको पहली इनिंग मिली है उनके साथ खेलने के लिए, लेकिन 10 रन प्रेशर तो होता है ना 24 बॉलों पे 10 बस प्रेशर होता है, उनकी बॉलिंग कितनी अच्छी देखें आप, प्रेशर आप ये भी तो देखें ना कि देखें? काफी मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान का नाम, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जब भी होता है हम ज्यादातर क्यों हारते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं उनके लिए, ये इंडिया से हमारा मैच है तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि जनाब हम इंडिया से जीत जाएंगे, हमारी आगे हर सारी दुनिया रो रही है गुर्बत की वजह से, महंगाई की वजह से, ठीक है, एक यही उम्मीद होती है कि चलो यार इंडिया से जीतेगा, जगह जगह LCDs लगी हैं, तमाम होते हैं दोस्तों के, तो बस इस दफा बस आपने भी आज छुट्टी की थी, बिल्कुल काम से छुट्टी की है, देख रहे हैं मैच, तीन छुट्टी की है हमने, तीन दिन जाया, कितने पैसे कटे, मेरा तो 3,000 रुपए का लॉस हो गया, आपका 3,000 रोज का माइनस हो गया और मैच भी हार गए, मैच भी हार गए, ऐसे तो हम किसी फील्ड में इंडिया को हरा नहीं सकते, सिर्फ क्रिकेट होती है, हमारे नौजवान ये यूथ मेरे साथ खड़ी है, बड़ा खुश होते हैं कि बाबर आजम हरा देगा और हमारा जो है नसीम भी आजकल जो है अच्छा प्लेयर, ODI नंबर 1 टीम इतनी बुरी तरह से हार गई, बस क्या कह सकते हैं, आज किस्मत ने साथ दिया, किस्मत ने साथ दिया कि इंसान को अपने प्रैक्टिस पे प्राउड होना चाहिए, देखिए नहीं हमारी हमारी टीम का स्पेशली इनका सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा फोकस है, ये बजाय इसके अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करें, इनका सोशल मीडिया अकाउंट्स पे फोकस है, वही वो मोमिन भाई वाली बात आई थी कि इनकी डाइट प्लान ठीक नहीं है, ये बर्गर खा रहे हैं रात को, सब कुछ कर रहे हैं, अशियां कर रहे हैं, प्रैक्टिस की तरफ तवज्जो नहीं है, अगर ये प्रॉपर प्रैक्टिस करें अपनी परफॉर्मेंस दें तो कभी ऐसा मौका ना, बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ, देखिए जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच था जो हमारी पाक मीडिया है इसने इंडिया को तड़ियां लगाने शुरू कर दी थी कि हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे, हमारे शेर आ गए जवान आ गए पूरा जंगल ही चला गया, क्या कर लिया इन्होंने, वही बात आई थी ना एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं उनकी, हमारी मीडिया की हमारी आवाम की, पहले इतना शोर मचा दिया शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया तो वो फिर जब आया पहाड़ निकला। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।